मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित श्री जटाशंकर धाम में देर रात जोरदार बारिश हुई। रात में बहुत तेजी से बारिश होने के चलते बहुत बड़ी मात्रा में पानी पहाड़ों से बहकर मंदिर चौक परिसर और सीढ़ियों से होकर निकला। पानी तेज गति और भारी मात्रा में गिरने के चलते पहाड़ियों के पत्थर बहकर गोमुख और सीढ़ियों पर आ गए। पानी इतनी मात्रा में आया कि चौक परिसर पूरी तरीके से लबालब भर गया और पानी कथा मंडप के ऊपर से बहने लगा। वहीं कुंडियों के पास करीब 2.5 फीट तक पानी बहने लगा। इस दौरान गौमुख के पास लगी रेलिंग भी टूटकर गिर गई। वहीं पहाड़ों का मलबा भी बहकर नीचे बस स्टैंड, सीढ़ियों, मुख्य मार्ग आदि पर आ गया। श्री जटाशंकर धाम में लंबे समय से रह रहे प्रभु पाठक ने बताया कि रविवार की रात बेहद तेज गति से काफी देर तक बारिश होती रही। पिछले एक दशक में इस तरह की बारिश कभी नहीं हुई। वहीं न्यास अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने सोमवार की सुबह श्री जटाशंकर धाम में ध्वजारोहण पश्चात बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए तत्काल अतिरिक्त मजदूर लगवाया तथा आवश्यक इंतजाम के निर्देश दिए।